मोदी सरकार ने आपातकाल के दौरान अमानवीय पीड़ा झेलने वालों के व्यापक योगदान को याद करने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर अब उद्धव ठाकरे गुट के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत का भी बड़ा बयान सामने आया। आपातकाल 1975 की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, आपातकाल को 50 वर्ष हो गए हैं, लोग भूल चुके हैं। इस देश में आपातकाल इसलिए लगाया गया था क्योंकि इस देश में कुछ लोग अराजकता फैलाना चाहते थे। पुलिस और सेना को भड़काया जा रहा था कि सरकार के आदेशों का पालन मत कीजिए। ऐसे में अगर अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री होते तो भी आपातकाल लगाते। पीएम मोदी और सरकार को इसलिए बहुमत नहीं मिला क्योंकि वे लोग संविधान को बदलना चाहते थे। मोदी सरकार ने आपातकाल के दौरान अमानवीय पीड़ा झेलने वालों के व्यापक योगदान को याद करने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर अब उद्धव ठाकरे गुट के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत का भी बड़ा बयान सामने आया। आपातकाल 1975 की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, आपातकाल को 50 वर्ष हो गए हैं, लोग भूल चुके हैं। इस देश में आपातकाल इसलिए लगाया गया था क्योंकि इस देश में कुछ लोग अराजकता फैलाना चाहते थे। पुलिस और सेना को भड़काया जा रहा था कि सरकार के आदेशों का पालन मत कीजिए। ऐसे में अगर अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री होते तो भी आपातकाल लगाते। पीएम मोदी और सरकार को इसलिए बहुमत नहीं मिला क्योंकि वे लोग संविधान को बदलना चाहते थे।